हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। किसानों को अब चौतरफा समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व सैन्य अधिकारी भी पहुंचने लगे हैं। ऑल इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड वेटनर्स के प्रधान ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कहलो ने भी रविवार को किसान आंदोलन का समर्थन दिया। ब्रिगेडियर कहलो ने मंच से किसानों को संबोधित किया, किसानों में जोश भरा। उन्होंने कहा कि किसान दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मॉरिस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन वक्त पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। मौजूद है सिंघू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर लगातार जो है किसान आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए 26 जनवरी नजदीक है। जान लेते हैं कि किसानों की क्या रणनीति है। सबसे पहले जो पहल करते हैं देश के सबसे बड़े जो जानते हैं कि 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ रणनीति। जी आपका परिचय। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालोन, आई एम द प्रेसिडेंट ऑल इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड पंजाब चैप्टर। जी ये नीति जो है ये तो एक कौमी दिवस है 26 जनवरी, जो कि हर साल एज ए परेड के तौर पर मनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ वो तो इसकी रिहर्सल होती है, समागम होते हैं, पर सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो कि जो के इसके जो वीआईपी इधर आने वाले थे मुखदी बोरिस यूके के, उन्होंने आखिरी स्टेज में आकर आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। वो बहाना तो उनको है कि कोविड है, मगर असलियत ये है किसान, ये मोर्चा है किसान आंदोलन जो चल रहा है, उनको बहाना चाहिए था। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो विदेशों के अंदर भी जो पंजाबी नहीं केवल बल्कि पूरे मुल्क के जो किसान हैं, जो उधर प्रतिनिधि हैं, जो के उधर आवाज बुलंद कर ले हैं उनकी पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने बताया है कि क्या हो रहा है दिल्ली के इर्द गिर्द, पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए यूके के प्रधानमंत्री ने आने से इनकार कर दिया। तो मैं समझता हूँ एक मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ रणनीति है? नहीं, 26 जनवरी रणनीति तो देखो हम जा रहे हैं ये किसान नेताओं को मिलना है। ये तो हम फौजी किसानों से पैदा होते हैं, किसानों के बीच में आ जाते हैं। रणनीति तो देखो इन्होंने तय करनी है, पर हमारा समर्थन है पूरा। ये रणनीति जो है जो संचालन कर रहे हैं, इसको जो गाइड कर रहे हैं, जो इसको कंडक्ट कर रहे हैं, जिनकी कोई मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उनकी रणनीति है, जो देखो इस तरीके से यह चलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ आज तक मैंने कोई अपनी जिंदगी में ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा, आंदोलन नहीं देखा। पूरे देश में रहने का मौका मिला, सरहदों पर जाने का मौका मिला, बहुत सारे देखे हैं हमने, बंगाल के अंदर बहुत कुछ देखा, मगर शांतिपूर्व ढंग से और जिस तरीके से हर समाज हर वर्ग का इंसान किसी भी सूबे के साथ किसी भी प्रांत का हो, तो मैं समझता हूँ ये कौमी एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ पूरी जथेबंदियों को, 41 जथेबंदी जो के सामने आई हैं। तो मैं समझता हूँ वो रणनीति जो तय करेंगे वो देश के हित में होगी और उनको समझना चाहिए जी। जी सरकार बिल्कुल बिल्कुल। एक जो बच्ची है, नन्नी बच्ची है, उससे भी जान लेते हैं कि किसान आंदोलन में पहुंची है वो किस लिए पहुंची है यहाँ पर, क्योंकि अब वक्त है जो पढ़ाई का है और पढ़ाई के सबसे मेन अहम है। गुड़िया आपका परिचय और किस लिए पहुंचे हुए हैं? मेरा नाम अनाहत है और मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो चल रही है, अभी भी चल रही है, मैं अभी भी कर रही हूँ। पर सबसे बड़ी पढ़ाई लिखाई कौन सी होती है? जो कम्युनिटी के काम आए, जो सबके काम आए, वो होती है पढ़ाई लिखाई। तो मैं यहाँ आई हूँ अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, यहाँ आई हूँ उनको समर्थन देने के लिए आई हूँ, क्योंकि यही असली पढ़ाई है। और खुद के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते ये पढ़ाई लिखाई करके तो वो पढ़ाई बिल्कुल ही कोई काम की नहीं है। ठीक है, लगातार देखिए आपको बता दें कि लगातार जो है किसान आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। सिंघू बॉर्डर से लाजपत हरियाणा न्यूज सोनीपत।